प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्गी की जो दूसरी क्लास है जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। कौन सी? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का हम मेंबर पढ़ रहे हैं कारा। जिसे स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टोन वर्ड किसका नाम है, तो किसका नाम है? कारा का। ठीक है, स्टोन वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कारा के थैलस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एग्जाम में ये लगभग पूछ लिया जाता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी इसके थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाला जनन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन एल्गी कारा के अंदर जो जनन है उसके टू टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है वेजिटेटिव, दूसरा जो टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट सिर्फ कायिक जनन और लैंगिक जनन इसमें पाया जाता है। आज हम बात करते हैं कारा में पाए जाने वाला कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा, इसको हिंदी में कायिक जनन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो इसके अंदर कायिक जनन के फिर अलग अलग इसके अंदर मेथड है। पहला जो टाइप हम बात करें वो है Y21। कंद द्वारा कंद क्या है? कंद छोटी समोलेस्ट गोलाकार संरचनाएं हैं, गोलाकार संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से, सूक्ष्म छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। और ये कहां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं कारा में। क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स। इन राइजोइड्स के ऊपर मान लीजिए ये राइजोइड्स है, इस प्रकार से ये इनके ऊपर यहां पर ये गोलाकार संरचनाएं जिनको हम कहते हैं क्या? ट्यूबर, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्यूबर। ये विकसित होती हैं और ये सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं इस राइजोइड से, या हम बात करें थैलस से अलग होकर इस प्रकार से पृथक हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और अनुकूल परिस्थिति फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर मान लीजिए इस प्रकार से ये ग्रो करेगा और धीरे धीरे नया कारा का जो थैलस है वो डेवलप कर लेती है। तो ये पहला इसमें टाइप है जो कंद के द्वारा बाय टू
ओवर के द्वारा क्या पाया जाता है इनके अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप है वो है वाई एमाइलम स्टार्स, हिंदी में इसको ये लिखा जाएगा एमाइलम स्टार द्वारा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कारा का जो थैलस है, कल हमने बात की थी कि इसका जो एक्सिस है वो नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड रहता है। इसके अंदर जो नोड रीजन है जिनको बोलते हैं पर्व संधि, नोड रीजन के ऊपर, नोड रीजन वाले क्षेत्र में कुछ स्टार लाइक सेल्स होती हैं या स्ट्रक्चर्स होती हैं जो दिखने में हमें तारे सदृश दिखाई देती हैं, और इन स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर एक विशेष प्रकार का स्टार्च पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलम स्टार्च। एमाइलम स्टार्च इसलिए प्रचुर मात्रा में ये एमाइलम स्टार्च किनके अंदर पाया जाता है, इन एमाइलम स्टार्च जो नोड रीजन पर कुछ सेल्स हैं उनके अंदर ये काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और दिखने में ये हमें तारे सदृश या स्टार लाइक दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एमाइलम स्टार्च। और ये एमाइलम स्टार्च थैलस से पृथक होकर फेवरेबल कंडीशन आने पर ग्रोथ करती हैं और नया थैलस जो है वो विकसित करती हैं। कैसी होती है देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए ये इसकी नोड रीजन है और यहां पर इस प्रकार से कुछ स्टार सदृश संरचना इसमें उपस्थित होती हैं और इनके अंदर प्रचुर मात्रा में यहां पर जो है वो क्या पाया जाता है, एमाइलम स्टार्च जो है वो पाया जाता है। तो स्टार्च सदृश संरचना है, इनके द्वारा इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कारा में होता है। थर्ड जो टाइप है, तीसरा प्रकार वो है थर्ड सी बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या है सेकेंडरी प्रोटोनीमा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है, एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर, तंतुनुमा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसी है, फिलामेंटस फिलामेंटस एक तंतुनुमा संरचना होती है। और ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है राइजोट्स के ऊपर, राइजोट्स के ऊपर या फिर जो एक्सिस है एक्सिस के नोड रीजन पर। वहां पर ये इस प्रकार की कुछ संरचनाएं होती हैं, इररेगुलर ग्रोथ वाली, और इनको कहा जाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये ग्रोथ कर नया पादप या नया थैलस जो है वो क्या करती है, डेवलप करती है। तो ये तीसरा वेजिटेटिव टाइप है जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा।
नेक्स्ट चौथा हम टाइप पढ़ें वो है डी वाई बल्बिल्स, जिसको कहा जाता है पत्र कलिकाओं द्वारा। बाई बल्बिल्स, देखिए कारा के अंदर, कारा का जो थैलस है, इस थैलस के एक्सिस के जो नीचे वाली जो अक्ष है, इसका अक्ष के नीचे की तरफ या नीचे वाली जो नोड रीजन है, पर्व संधियां है, वहां पर कुछ पत्र कलिकाएं वर्णनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। दूसरा, कारा के अंदर जो राइजोड्स है, राइजोड्स के ऊपर भी ये बल्बिल्स जो है वो उपस्थित होती हैं, और ये थैलस से या पादप से अलग होकर ग्रोथ कर नया थैलस जो है वो विकसित करती हैं, न्यू थैलस। ठीक है, तो ये बल्बिल्स कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ऐसे तो ये मेन पादप से जो है वो पृथक होकर नया पादप जो है वो बना लेती है। तो ये कुछ टाइप थे जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसके ये टाइप थे। कौन कौन से टाइप हमने पढ़े? सबसे पहला था बाई ट्यूबर द्वारा, दूसरा बाई एमाइलम स्टार, जो ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। थर्ड जो टाइप था वो था इसके अंदर बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उसके बाद बाई बल्बिल्स। तो ये कुछ इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ प्रकार या मेथड थे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टाइप का, जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। कारा के अंदर हमने बात की थी, या हम बात करें कलर ऑफ आईसी में, कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके जो थर्ड टाइप था, जिसको बोलते हैं क्या, ऊ गेमस प्रकार का, विषम युग्मकी, कैसा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसा पाया जाता है? ऊ गेमस प्रकार का या विषम युग्मकी, यानी कि इसके अंदर हम बात करें मेल और फीमेल जो गैमेट्स बनेंगे, या हम बात करें जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे वो अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं। ठीक है, गैमेट्स की बात करें या हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, तो ये अलग अलग आकार और आकृति के जो है वो होते हैं। इसको कहा जाता है विषम युग्मकी प्रकार का। तो कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है? उगेमस प्रकार का, विषम युग्मकी प्रकार का। अब हम बात करते हैं कि कारा के अंदर ये जो सेक्स ऑर्गन है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कहां पर पाया जाता है, थैलस की कौन से स्थान पर? तो हमने जब इसके थैलस के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो वहां पर हमने देखा था कि इसके अंदर दो प्रकार की शाखाएं जो है वो देखने को मिलती हैं, ब्रांचेस, टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक का तो नाम था लिमिटिंग ग्रोथ वाली, जिसको कहा जाता है सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, और दूसरी जो थी वो थी अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं।
तो हम बात करें ये जो लिमिटिंग ग्रोथ वाली जो शाखाएं हैं, सीमित वृद्धि वाली जो शाखाएं हैं, उनके ऊपर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कहां डेवलप होते हैं, सीमित वृद्धि वाली या लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं पर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मेल जो सेक्स ऑर्गन है जनरली उसको हम कह देते हैं क्या, एंथीरिडियम। क्या कहते हैं, एंथीरिडियम। और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऊगोनियम। ऊगोनियम, पूधानी और अंडधानी। क्या कहते हैं हिंदी में, पूधानी। नर युग्मक, नर जनन अंगो और मादा जनन अंगो कहते हैं हम क्या, ऊगोनियम या अंडधानी। ये जनरली जो वर्ड्स हैं हम यूज करते हैं, लेकिन कारा में इनको कुछ विशेष प्रकार का नाम दिया गया है जो है एंथीरिडियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन को यहां पर कहा जाता है क्या, ग्लोव्यूल। ग्लोव्यूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, ग्लोव्यूल। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको कहा जाता है न्यूक्यूल। न्यूक्यूल हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है, न्यूक्यूल, ग्लोव्यूल और न्यूक्यूल। तो ये एग्जाम में जो वनवास के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इनका डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है कि कारा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका क्या नाम है, तो वहां आप एंथीरिडियम नहीं लिखेंगे, वहां आप क्या लिखोगे, ग्लोव्यूल। और यदि हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की तो उसको हम ऊगोनियम ना लिखकर उसको क्या कहेंगे, न्यूक्यूल। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसको डिटेल से हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।